बिग बॉस में रोज कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा और ड्रामा देखने को मिल रहा है। पहले रश्मि सिद्धार्थ का झगड़ा और अब शहनाज और सिद्धार्थ की लड़ाई। भाई बिग बॉस इस बार कुछ ज्यादा ही ड्रामे करवा रहे हैं। अब देखिए, शहनाज और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री अच्छी खासी चल रही थी, तभी बीच में बिग बॉस ने करा दी लड़ाई। जी हाँ, आज के एपिसोड में आप सिद्धार्थ की लड़ाई देखने वाले हैं, क्योंकि शहनाज को नहीं पसंद सिद्धार्थ का माहिरा और पारस से बात करना और उनके साथ बैठना। इसी बात से गुस्सा शहनाज सिद्धार्थ से कहेंगी कि जब तेरी किसी से लड़ाई होती है तो तू मुझसे उनसे बात करने को मना कर देता है। मैं तेरी बात मानती हूँ, अब मैं कह रही हूँ कि तू पारस और माहिरा के पास मत बैठ और तू उनसे बात मत कर, तो तू मानता ही नहीं है। इतना सुनकर सिद्धार्थ पारस माहिरा के पास जाकर बैठ जाता है। ये बात शहनाज को हर्ट करती है। गुस्से में शहनाज जाती हैं और सिद्धार्थ से कहती हैं कि तू बहुत ही बुरा है, अब तू इनके साथ ही बैठ, मैं तेरे चक्कर में नहीं आने वाली, तेरे चक्कर में लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, अब हमारी दोस्ती खत्म। दरअसल शहनाज यहाँ मधुरिमा के ताने की बात कर रही थी। इतना कहकर शहनाज चली जाएगी और खूब रोएंगी। इस बार शहनाज को सिद्धार्थ तो चुप कराने नहीं आएंगे, लेकिन विशाल आदित्य सिंह जरूर आएंगे, जो कि शहनाज को चुप कराएंगे। खैर दोस्तों, शहनाज और सिद्धार्थ का ये झगड़ा तो चलता ही रहता है, ये झगड़ा तो हमने पूरे सीजन में देखा है। अब बात करते हैं आज के कैप्टेंसी टास्क की। आज पूरे घर को मंगल ग्रह में तब्दील कर दिया जाएगा। टास्क कुछ ऐसा होगा कि कांच के कंटेनर रखे होंगे, घर वालों को उसमें पानी निकालकर अपने कंटेनर में पानी भरना होगा, साथ ही दूसरे घर वालों को एक दूसरे का कंटेनर खाली करना होगा। जिसके कंटेनर में पानी रहेगा वही घर का अगला कैप्टन होगा। लेकिन इस टास्क के दौरान हमें ग्रुप भी देखने को मिलेंगे, जिनमें अरहान और रश्मि, विशाल और मधुरिमा का ग्रुप होगा। जहां रश्मि अरहान से कहेंगी कि तुम्हें ये टास्क हर हाल में जीतना है, तो वहीं मधुरिमा विशाल को जीतने के लिए कहेंगी, क्योंकि जो भी कैप्टन बनेगा उसके पास इम्यूनिटी पावर होती है कि किसी सदस्य को वो सेव कर सकता है। वैसे आपको एक और बात बता दें कि इस हफ्ते बाहर हुई घर से देबोलीना भट्टाचार्य जी की वापसी हो सकती है और मास्टरमाइंड विकास गुप्ता बाहर जा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की जगह तो विकास गुप्ता आए थे। तो गाइस, ये थी आज के एपिसोड की हाइलाइट्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, इस बार आपके हिसाब से कौन कैप्टन बनना चाहिए हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताना। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।